दोस्तों हम जानते हैं गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक फ्री टूल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट के अंदर विजिटर को ट्रैक कर सकते हैं और विजिटर कौन सी पेज पे क्लिक कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो सारे डेटा हम गूगल एनालिटिक्स के दौरान पा सकते हैं। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी गूगल एनालिटिक्स को कम्पीट करने के लिए सेम टूल को लॉन्च किया है। ये बिल्कुल ही फ्री है जिसका नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस पे स्पेशल क्या फीचर आपको दिखने को मिलेगा वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी गूगल एनालिटिक्स का एक अल्टरनेटिव टूल है। इसके मदद से आप अपने साइट के अंदर विजिटर का एंगेजमेंट ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्पेशल आपको फीचर मिलेगा सेशन प्लेबैक की, इसकी मदद से आपकी यूजर कौन सी पेज पे आ रहा है, कौन सी बटन पे क्लिक कर रहा है, वो आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसके अंदर आप वीडियो की फॉर्मेट पे सेशन को रिकॉर्डिंग कर सकते, बाद में आप उसको देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके साइट के अंदर सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सेशन प्लेबैक की ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों और एक यूनिक फीचर हिट मैप, इस फीचर के दौरान आपके साइट के अंदर एग्जैक्ट कौन से बटन पे क्लिक आ रहा है वो सारे को आप इस टूल की मदद से पता लगा सकते। तीसरा जो फीचर हाइलाइटेड फीचर है इनसाइट्स, इसकी मदद से आप आपके साइट के अंदर एंगेजमेंट जान सकते हैं और कौन सी इशू की वजह से आपके साइट में यूजर इरिटेट हो रहा है वो सारे कुछ आप पता लगा सकते हैं इस इनसाइट्स फीचर की मदद से। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे अपने साइट पे सेटअप करते हैं। तो आप आ जाएंगे clarity.microsoft.com, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा ऑफिशियल लिंक, उस पे क्लिक करने के बाद इसी साइट पे आ जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उस पे आप साइन अप कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अलग से बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे साइन इन टू गूगल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको किसी भी अकाउंट की डेटा देना नहीं होगा, जस्ट गूगल पे आपको साइन इन करना होगा और ऑटोमेटिकली गूगल पे आप लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है आपके साइट का नाम, यूआरएल और साइट के कैटेगरी तीनों को आपको देना होगा। जैसे कि हमारा ऑफिशियल साइट है blogsguru.net, तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे। उसके बाद नीचे है यूआरएल, यूआरएल के जगह आप www को जरूर बैठाइए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है, तो www.blogsguru.net। इसके आगे आपको https देने की जरूरत नहीं है। तो ये देने के बाद नीचे साइट की कैटेगरी को चूज करना है, हमारा कैटेगरी है मार्केटिंग ब्लॉग, हमारा ब्लॉग का कैटेगरी है तो हम यहाँ पे ब्लॉग चूज करेंगे। उसके बाद नीचे क्रिएट पे क्लिक करना होगा, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इसके अंदर ये इम्पोर्ट हो जाएगा। तो पूरी तरह इम्पोर्ट नहीं हुआ है, जस्ट आए है इस जगह, इस पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक कोड आपको दिया जाएगा जिसको आपके साइट के अंदर बैठाना होगा, जैसे गूगल एनालिटिक्स पे सेटअप करते हैं। अगर उसके बारे में नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पे बहुत पुराना एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड मैनुअली, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, हमारा ऑफिशियल साइट blogsguru.net ऑफिशियल साइट पे हम आ जाएंगे। दोस्तों हमारे साइट पे हम एंटर करे हैं, उसके बाद आपको यहाँ अपीयरेंस सेक्शन पे जाएंगे, थीम एडिटर मिलेगा, थीम एडिटर के ऊपर जस्ट क्लिक करना है सेकेंड टैब में। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक कोड को बैठाना होगा जो उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन को फाइंड करना है, अगर आप जेनरेटपेज थीम को इंस्टॉल करे हो तो आप यहाँ पे हेडर सेक्शन आसानी से ढूंढ पाएंगे। अगर इस थीम को आप नहीं यूज करे हो तो आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगा, प्लगइन का नाम है इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन, तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जेनरेटपेज थीम को यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे हेडर सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको हेड दिखेगा, इसके अंदर हेड दिखेगा, एक बार क्लिक करना है, सिंगल एंटर देने के बाद इस कोड को आपको कॉपी करने के बाद इस जगह बैठा देना है, इस जगह बैठा देंगे, उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन भी दिया है,
इसकी मदद से आप गूगल एनालिटिक्स को भी इस अकाउंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और आपने जिस ईमेल एड्रेस से लॉगिन करे है उसको चूज करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांग रहा है, एडिट गूगल एनालिटिक्स मैनेजमेंट एंट्रीज, तो यहाँ पे सारे कुछ अलाउ कर देना है। फाइनली नीचे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके क्लैरिटी डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देख सकते हो इस पे आ चुका है। तो आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है और डैशबोर्ड पे फिर से क्लिक करना है। इस पे ये टूल अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम ले रहा है। 2 आवर्स आपको लगेगा इस पे सारे डेटा आने के लिए, तो आपको इतना टाइम देना ही होगा। उसके बाद मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा और इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों 2 घंटे के बाद मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2 घंटे दीजिए। उसके बाद आपके साइट में सही तरीके से माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का मॉड्यूल इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके साइट शो करेगा, हमारे ऊपर साइट यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो। जैसे ही साइट को खोलेंगे यहाँ पे लास्ट 3 डेज के लिए सारे डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जैसे गूगल एनालिटिक्स पे होते है कितने विजिटर्स आ रहा है, कितने क्लिक्स हो रहा है, वो सारे कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी की तरह आप एनालाइज कर सकते हो और साइट को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। नीचे है ब्राउज की फीचर, तो ब्राउज की फीचर के अंदर आपके साइट के कौन सी ब्राउजर पे ज़्यादा विजिटर आ रहा है वो आप देख सकते हो, और पीसी पे विजिटर कैसे आ रहा है और मोबाइल पे कितना आ रहा है वो सारे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ कर रहे हैं आपके यूज़र, सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों इसका जो आइकॉनिक फीचर है सेशन रिकॉर्डिंग, इसकी मदद से आप अपने विजिटर की सारे एक्टिविटी को वीडियो फॉर्मेट पे देख सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपका वीडियो प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सारे वीडियो फॉर्मेट पे लास्ट 3 डेज के अंदर जो जो टाइप के विजिट हो रहा है वो सारे कुछ एक्टिविटी आप देख सकते हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हीट मैप्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे आपको हर कलम मिल जाएगा, पीसी के लिए अलग है, टैबलेट के लिए अलग है और मोबाइल के लिए अलग है। यहाँ पे आप के यूजर्स कौन सी पोजीशन पे एग्जैक्ट क्लिक कर रहे हैं वो सारे डेटा आप यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिला है कैसे इसको यूज करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ऐसे ही ब्लॉगिंग रिलेटेड कॉन्टेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर, टाटा।